चलिए फिर चलते हैं हम अपना नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया था, वहां पे हमने एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया था। ठीक है, वहां पे डेल्टा एक्स, डेल्टा एस डॉट डेल्टा पी इक्वल टू क्या था, एच अपॉन फोर पाई, है ना। ये उन्होंने ये कहा था कि हम किसी भी पार्टिकल्स की पोजिशन को हम एक ही सिंगल उसमें मेजर कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी पार्टिकल्स, है ना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है वापस कैलकुलेट द, हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर रहे हैं, एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ अनसर्टेन प्रिंसिपल, है ना, अनसर्टेन प्रिंसिपल पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है पहली। तो कैलकुलेट द अनसर्टेन इन पोजीशन ऑफ ए डस्ट पार्टिकल्स विद इक्वल टू 1 मिलीग्राम इफ द अनसर्टेनिटी इफ इन इट्स वेलोसिटी इज 5.5 × 10⁻²⁰ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वी नो दैट डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। ये आपका क्या है, एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर नोट करें क्या कहते रखते हैं, यहाँ पर 1 मिलीग्राम है। अब पार्टिकल जो है डस्ट पार्टिकल विल इक्वल टू 1 मिलीग्राम, यानी कि उनका मास क्या हो गया, उनका मास एम। तो पार्टिकल मास एम यानी 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम और 10⁻⁶ kg। हम इसको kg में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब डेल्टा बी दे रखा है आपको, यानी ये या आपको दे रखा है कि ये जो आपकी वेलोसिटी है ये आपका 5.5 × 10⁻²⁰ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए हो गया। अब एच की वैल्यू आपको दे रखी है 6.625 × 10⁻³⁴ जूल और सेकेंड। ठीक है, उसके बाद पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, है ना। अब डेल्टा पी है यहाँ पर, ठीक है, वी नो दैट डेल्टा पी इक्वल टू एम डेल्टा पी। ठीक है, तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा यानी m डॉट डेल्टा v इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब यहाँ पर इसकी क्या करेंगे, वैल्यू कर देंगे। m की वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻⁶ मल्टीप्लाई इसकी 5.5 × 10⁻²⁰ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो थी kg, यहाँ पर kg चल रही है इसकी, है ना, यूनिट इसकी kg है। ठीक है, अब इक्वल टू h की वैल्यू 6.625 × 10⁻³ जूल सेकेंड अपॉन यहाँ पर 3.14 × 3.14 हमने वैल्यू रखी। ठीक है, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 6.625 × 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 10⁻⁶ × 5.5 × 10⁻²⁰ और मल्टीप्लाई 4 × 3.14। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर जो कैलकुलेट करके 9.59 × 10⁻³⁰ मीटर। ठीक है, जो इसकी चाल होगी वो इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो नोट करिए आप ये। तो बच्चों इसका आंसर डेल्टा एक्स इक्वल टू 9.59 × 10⁻³⁰ मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी आपकी डेल्टा एक्स, यानी यहाँ पर कैलकुलेट था अनसर्टेनिटी पोजीशन। अब इसलिए पोजीशन आ गया। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना, प्रॉब्लम नंबर 2 देख लेते हैं। तो ए अनसर्टेन इन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल r 10⁻¹⁰ मीटर एंड 5.27 × 10⁻²⁴ मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द मास ऑफ द पार्टिकल्स h, है ना। तो मास हमें निकालना है। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर हमें डेल्टा x दे रखा है ना, पोजीशन दे रखी है इसकी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल r द पोजीशन दे रखी है एंड वो दे रखा है, तो डेल्टा 10⁻¹⁰ मीटर। ठीक है, और डेल्टा वी दे रखा है आपको, कितना दे रखा है यार, 5.27 × 10⁻²⁴
ठीक है। एच की वैल्यू हम जानते हैं 6.625, क्वेश्चन में दे रखा है 34 जूल सेकेंड, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 वैल्यू होती है, ठीक है। अब हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल की जो आपके पास जो इक्वेशन है उसकी इक्वेशन क्या होती है, ये होती है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा एक्स डॉट एम डॉट डेल्टा बी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, एम, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी मल्टीप्लाई 4 पाई, 4 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। यहाँ पर ही आ गया। अब इसकी हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम इक्वल टू 6.625 मल्टीप्लाई 10^-34 जूल सेकेंड, और यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू 10^-10 मीटर मल्टीप्लाई डेल्टा वी की वैल्यू जो रखी हुई है वो 5.27 मल्टीप्लाई 10^-24 है, और 4 मल्टीप्लाई 3.14। तो मास जो आ जाएगा उस पार्टिकल उसका वो कैलकुलेट करने के बाद में आएगा 0.09999 kg, ठीक है। तो उस पार्टिकल्स का जो वेट आएगा वो आएगा 0.9999 kg आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था आपका, इसको अगर हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, इसमें सब कुछ भी पूछ सकता है, एम की वैल्यू पूछ सकता है, डेल्टा वी की वैल्यू पूछ सकता है, डेल्टा एक्स की वैल्यू पूछ सकता है, एच की वैल्यू पूछ सकता है, और पाई की वैल्यू भी आपसे पूछ सकता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। अभी नोट करिए,